हेलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं टॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को आई होप ने जो पीछे लेक्चर्स है उनके नोट्स बना लिए होंगे अगर उनमें कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो नेक्स्ट हम करते हैं शेप ऑर्बिटल्स की यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल इनकी जो शेप्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे तो देखिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है बच्चों वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर देखिए हमने एक लेक्चर में पढ़ी थी एंगुलर और रेडियल ठीक है दो वेव फंक्शन हमने स्टडी किए थे रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन वहां पर हमने देखा था कि जो एंगुलर वेव फंक्शन की

डायरेक्शन में जाओगे आपको उतनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी आप इस वाले डायरेक्शन में जाओगे यहाँ पे भी इतनी मिलेगी इस डायरेक्शन में आओगे आपको यहाँ पे भी इतनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डरेक्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो प्रोबाबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो हमारी डिफर नहीं करने वाली वो सेम होगी सभी डायरेक्शन के अंदर तो इसलिए जो हमारी एस ऑर्बिटल है यहाँ पे क्या इसके पास फेरिकल शेप है और एक ओरिएंटेशन है यहाँ पे पॉसिबल जो है इसके बाद देखिए सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्स न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स पे उसके बाद एस ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं

ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों नॉन डायरेक्शनल होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ठीक है इसके बाद साइज जो है वो लार्जर होता है 1s ऑर्बिटल से अब 1s ऑर्बिटल का छोटा साइज होता है यहाँ पे देखिए 1s ऑर्बिटल है साइज छोटा है जब हम बात करते हैं 2s की तो साइज क्या हो गया बड़ा हो गया जब हम 3s पे चलते हैं तो वहां पे और भी बड़ा साइज हो जाता है तो यहां पे जो s ऑर्बिटल्स जो हैं ये 1s 2s 3s शेप तो क्या सेम है सिमेट्रिकल है तीनों बट डिफरेंस कहां पे है डिफरेंस है इनके साइज के अंदर जब हम बात करते हैं पे पे साइज की तो यह, यहां पे हम देख पा रहे हैं एक ऑर्बिटल का साइज क्या छोटा है एक दूसरे ऑर्बिटल का साइज जो है वो बड़ा है और दूसरा जो डिफरेंस है वो किस में आएगा बच्चों नॉड प्रेजेंट होगी वन एस में जीरो नोड है टू एस में एक नोड है थ्री एस के केस में दो नोड है अभी नोड क्या होता है इसको भी हम पढ़ चुके पीछे लेक्चर्स के अंदर नोड वो रीजन होता है बच्चों पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है ठीक है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन के

प्रोबेबिलिटी है okay? मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है वो ज्यादा है 2s के केस में क्या है हमारे पास दो रीजन ऐसे 3s के केस में क्या है हमारे पास ऐसे तीन रीजन है ठीक है 1s के केस में ऐसा एक रीजन है तो यहाँ पे देखिए

नोड के अंदर है और यहाँ पे जो रीजन होंगी हाई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ये वहां पर right, तो यहां तक हमारा ऑर्बिटल है ऑर्बिटल की शेप के बारे में यहां तक आप नोट करें उसके बाद हम पी ऑर्बिटल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स तो पहले हमने देखा एस ऑर्बिटल्स की शेप को नेक्स्ट हम देखेंगे पी ऑर्बिटल के केस में जो शेप है वो कैसी रहेगी तो so, यहाँ पे जो शेप है बच्चों पी ऑर्बिटल के केस में वो डंबल शेप होती है एस ऑर्बिटल में हमने देखा फैरिकली सिमेट्रिकल वहां पर होता है जो एस ऑर्बिटल होता है जबकि पी ऑर्बिटल हम जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कैसी शेप दिखती है डम्बल शेप हमें दिखती है ठीक है तो यहाँ पे, so, पे देखिए जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की पी इलेक्ट्रॉन को वो मैक्सिमम होती है दो लोब्स में ठीक है ये जो दो लोब है यहाँ पे मैक्सिमम होंगी साइड्स में दो लोग तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना है बच्चों वो सबसे ज्यादा होगी तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल होगी या नॉन डायरेक्शनल होगी एस में हमने बोला था वो नॉन डायरेक्शनल बिकॉज फेरिकल है हर डायरेक्शन में जाएंगे जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही हमें मिलेगी बट यहाँ पे जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं यहां पे मैं अगर जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही है यहाँ पे फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे तो क्या है जीरो ठीक है बिकॉज यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कोई तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे क्या होगी बच्चों जीरो होगी मतलब जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है हमारी डिफरेंट हो रही है यहाँ पे ज्यादा है फिर यहाँ पे है ही नहीं फिर यहाँ पे ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पे क्या है एक डायरेक्शन है

ये क्या है बच्चों हमारे डिफरेंट ऑरियंटेशन हैं पी ऑर्बिटल के अंदर ये पी एक्स में पी वाई में और ये पी जेड ऑर्बिटल में यहाँ पे देखिए शेप जो हमारी पी ऑर्बिटल की कैसी है वो डम्बल शेप है जिस टाइप के डम्बल होते हैं तो डम्बल की शेप की क्या है हमारी पी ऑर्बिटल है ये क्या है लोब हमारी अबाउ द एक्स वाई प्लेन है और ये जो लोब है हमारी क्या है बिलो द एक्स वाई प्लेन है समझ में आ गया ये क्या है हमारी पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल की शेप इस इसके बाद है 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 जो टू लोब्स हैं हर एक एक में वो सेपरेट प्लेन के द्वारा पे क्या होती है? जीरो होती जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस प्लेन को हम क्या बोलते है, बच्चों? नोडल बोलते हैं हैं बच्चों प्लेन 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 जो होगा उस को हम क्या बोलेंगे प्लेन बोले

इनको हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे एक को पी एक्स पी वाई और पी जेड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो यहाँ पे जो हमारे पास है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ पे मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में है तो ये पी एक्स यहाँ पे वाई एक्सिस में है तो पी वाई यहाँ पे जेड एक्सिस में है तो पी जेड और राइट इसके बाद है बच्चों अनलाइक एस ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल होता है उसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है ये भी पॉइंट आपको क्लियर है ठीक है समझ आ गया डायरेक्शनल होते हैं ये इसके बाद ये हेल्पफुल है प्रेडिक्ट करने में शेप को मॉलिक्यूल्स की और जो थ्री पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर एनर्जी शेल से उनके पास इक्वल एनर्जी होती है और उन्हें हम क्या बोलते हैं डी जनरेट बोलते हैं इस पॉइंट को भी हमने कवर किया है वीडियो के अंदर जो प्रीवियस वीडियो जो हमारी अपलोड हो चुके है बच्चों चैनल पर उन वीडियो के अंदर हमने कवर किया एटॉमिक स्ट्रक्चर की कि जो हमारी पी ऑर्बिटल्स होंगी बिलोंग करेंगे एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल से उनके पास इक्वल एनर्जी होगी पर्टिकुलर शेल यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो देखिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर शेल ले लेते हैं मान लो सेकंड शेल हम ले रहे हैं तो सेकंड शेल है ये हमारे पास ठीक है 2p है तो यहाँ पे जो तीनों ऑर्बिटल्स होंगी 2p यहाँ पे तीन ऑर्बिटल होंगी एक px एक py एंड एक pz एक px एक py और एक pz इस तरीके से तीन ऑर्बिटल होंगी हमारी तो टू पी के अंदर पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ये तीनों ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर शेल की हैं ये तो यहाँ पे अब हमारे पास जो एनर्जी आएगी यहाँ पे जो तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो इक्वल होगी तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होने की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स उसको आप याद रखेंगे तो नोट कर लो यहाँ तक फिर हम डी ऑर्बिटल्स की देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों शेप डी ऑर्बिटल के अंदर तो पहले हमने देखा एस ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में नेक्स्ट हम देखेंगे डी ऑर्बिटल्स की शेप को तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पी ऑर्बिटल में क्या था एक डंबल था ठीक है तो वहां पे हमने क्या बोला था डंबल शेप तो यहाँ पे ऐसे क्या है इसी तरह के दो है तो हम क्या बोल देंगे डबल डम्बल शेप या फिर हम क्या बोलते हैं

नेक्स्ट है ये जो फाइव ऑर्बिटल्स होंगी है इक्वल है एनर्जी के अंदर एनर्जी है? है होगी तो पांचों ऑर्बिटल की जाएंगे ठीक है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है डिफरेंस है इनकी ऑरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे जो ऑरिएंटेशन है वो क्या है अलग है तो देखिए जो थ्री ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई है डी वाई जेड है डी एक्स जेड है ये क्या है बच्चों सिमिलर हैं और कंसिस्ट है किस फोर लोब से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यहाँ पे क्या है चार लोब दिखाई दे रही है हमें चार लोब है हर एक ऑर्बिटल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पर किसमें लाई करेंगे जो एक्स वाई वाईजेड और एक्सड प्लेन में ठीक है एक्स वाई वाई जेड और एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहे हैं

45 डिग्री का। इसके बाद है, इन बिटवीन ठीक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं इसी तरीके से वाई जेड में वाई और जेड के बीच में लाइ कर रहे हैं इसी तरीके से एक्स जेड में एक्स और जेड के बीच में लाई कर रहे हैं और राइट तो यहां तक नोट कर लो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हाँ की चार लोब है, है? अलॉन्ग दी एक्सेस प्रेजेंट है देखिए जो डी एक्स वाई वाई जेड एक्सजेड है ये क्या है इन बिटवीन द एक्सेज एक्सेस के बीच में प्रेजेंट है बट ये जो हमारी डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र जो ऑर्बिटल है अलॉन्ग दी एक्सेस है यहाँ पे चार से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सेस जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है उसकी क्या है अलोंग है एक्स एंड y एक्सिस और राइट उसके बाद यहाँ पे हम नोट करते हैं कि जो ऑर्बिटल है एक्जैक्टली exactly बिल्कुल एक्स वाई ऑर्बिटल की तरह है बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये रोटेटेड होते हैं थ्रू 45 फाइव डिग्री अराउंड दी एक्सिस देड एक्सिस के अराउंड ये क्या होते हैं हमारे बच्चे रोटेटेड होते हैं 45 फाइव डिग्री एंगल के साथ में z एक्सिस से रोटेटेड होते हैं तो इसलिए ये तो क्या है हमारी इन बिटवीन एक्सिस है जो हमारी डी एक्स वाई है और ये क्या है हमारी अलॉन्ग दी एक्सिस है एक्स वाई प्लेन में क्या है ये अलोंग दी डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल नेक्स्ट है डी जेड स्क्र जो ऑर्बिटल है वो कंसिस्ट होता है दो लोब से अलोंग दी जेड एक्सेज जेड एक्सेस के लोग यहाँ पे क्या है हमारे पास दो लोब्स से और एक सेंटर में आपको दिख रहा होगा रिंग है हमारी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कि हमारी एक्स वाई प्लेन में होती है ठीक है एक्स वाई प्लेन में तो क्या है हमारे पास रिंग है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और ये जो लोब है हमारी लोब किस में है हमारी जेड एक्सेस पे है ठीक है तो कंसिस्ट है दो लोब से जो अलोंग दी जेड एक्सेस होती हैं और साथ में रिंग है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कि एक्स वाई प्लेन में होती है तो ये थे बच्चे हमारे डी ऑर्बिटल्स मेरी ड्राइंग तो ऐसी है बट आप समझ जाओगी मुझे पता है अच्छे बच्चे हो ठीक है तो आप सारे डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेना डी एक्स वाई वाई जेड एक्सडक् माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्वेयर ये पाँचों हमारी डी की ऑर्बिटल्स है मतलब यहाँ पे फाइव डिफरेंट ऑरिएटेशन होती है ठीक है बच्चों उसके बाद नोट पॉइंट पे आपको डालना है एफ ऑर्बिटल्स ठीक है हमें इतना ज्यादा स्टडी नहीं करना इसको बट देख लेते हैं थोड़ा आइडिया ले लो एल यहाँ पे क्या होता है बच्चों थ्री होता है के केस में तो एल थ्री है तो एम क्या हो जाएगा माइनस थ्री से प्लस थ्री हो जाएगा राइट तो माइनस थ्री से प्लस थ्री हो जाएगा कितनी वैल्यूज है हमारी सेवन वैल्यूज पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब सेवन यहाँ पे क्या होंगी हमारी एफ ऑर्बिटल्स होंगी तो सेवन एफ ऑर्बिटल्स होंगी हर एक एफ सबशेल के अंदर तो यहाँ पे जो हमारे टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स खत्म होता है बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में